अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल मलिक। वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं नहायत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाई एंड व्हाट आर दोस कलरफुल बोसॉन पावर लाइंस। ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मली इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि वो बॉल्स जो आपको ट्रांसमिशन लाइन्स में दिखाई दी जा रही होती हैं, इनको लगाने का रीजन क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा इन बॉल्स की भी, और रीजन भी आपको बताऊँगा कि इनको क्यों लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको बताऊंगा इनका एग्जैक्ट नेम क्या है, इनको किस लोकेशन पर यूज़ किया जा रहा होता है, इनका कलर कम्बिनेशन कौन सा होता है, इनका वेट और डायमीटर कितना होता है, फिर इनमें स्पेसिंग कितनी रखी जा रही होती है, फिर ये कौन से पैटर्न से इनको लगाया जा रहा होता है, कौन सा मटेरियल से बनी होती हैं, फिर वायर सेट क्या होता है, और इंस्टॉलेशन गाइडलाइन भी आपको दूंगा कि इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और एंड में आपको इनकी रीजंस भी बताऊंगा कि इनको बेसिकली लगाने की रीजंस क्या है। तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमूमन सफ़र करते हुए हमें क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जो कलरफुल बॉल्स हैं इनका पर्पस क्या लगाने का, वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। मगर सबसे पहले हम देखते हैं कि इन बॉल्स को कहा क्या जाता है, इनका नेम क्या है। तो इनके लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, दो नेम्स यूज़ किए जाते हैं। इन्हें मार्कस बॉल भी कहा जाता है, और उसके अलावा इन्हें एरियल विजिबिलिटी मार्कस बॉल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं इनकी लोकेशन के, ये कहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। इन बॉल का यूज़ मोस्टली नियर माउंटेन पासिस में भी होता है, और इन बॉल का यूज डीप वैली एरियाज में भी किया जाता है। उसके अलावा इन बॉल्स को फ्रीवे क्रॉसिंग के पास भी यूज किया जा रहा होता है, और अराउंड एयरपोर्ट्स के भी पास यूज करते हैं इन बॉल को अमूमन, जहां पे आपके पास लैंडिंग हो रही होती है। उसके अलावा ये रिवर्स के क्रॉस भी इन बॉल्स का यूज किया जाता है। अब दोस्तों, इनके कलर कम्बिनेशन की बात करें तो ये डिफरेंट फोर कलर्स में बॉल को मोस्टली यूज किया जा रहा होता है, रेड, ऑरेंज, वाइट और येलो। अब दोस्तों, अगर इसके वेट की बात करें तो दोस्तों, अगर हम दूसरे ट्रांसमिशन लाइंस को देखते हैं जिनके साथ बॉल्स कनेक्ट होती हैं, तो वो हमें काफ़ी छोटी साइज में लगती हैं। मगर एग्जैक्टली जो इनका वेट और साइज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इनका जो वेट ऑलमोस्ट 7.7 केजी या 17 पाउंड होता है, या अगर हम डायमीटर की बात करें तो ऑलमोस्ट 36 इंच की ये बॉल्स एक होती है। उसके बाद अगर हम इनके स्पेसिंग की बात करें कि दो जो बॉल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, तो इनके अंदर स्पेसिंग डिफरेंस कितना होता है, कितने मीटर की लेंथ होती है इसमें, तो आप देख सकते हैं या 200 फुट का डिस्टेंस होता है, या फिर 61 मीटर का डिस्टेंस इनमें होता है। लेकिन यही डिस्टेंस कम होकर हमारे पास 10 मीटर या 15 मीटर रह जाता है, जब यही बॉल्स को एयरपोर्ट्स के पास लगाया जा रहा होता है या रनवे के पास इनको यूज़ किया जा रहा होता है। तो दोस्तों, अब हम इनके कलर कम्बिनेशन की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो इन्हें कैसे लगाया जा रहा है। तो अमूमन और मोस्टली ऑरेंज जो बॉल है उसको हर ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे लगाया जाता है, उसके बाद अल्टरनेट कलर्स की बार यूज की जाती हैं। लेकिन अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन छोटी है और फोर बॉल्स की गुंजाइश है, तो मोस्टली हम फोर बॉल्स एक ही कलर की लगा रहे होते हैं, और वो कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनके मटेरियल के बारे में कि ये जो स्पेयर है इनका मटेरियल क्या होता है, तो दो मटेरियल मोस्टली यूज़ किए जा रहे होते हैं इनको बनाने के लिए। एक जो होता है पॉलीस्टर यूज़ किया जाता है, फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीस्टर, और जो दूसरा होता है मोस्टली जो कॉमन है और जो यूज़ किए जा रहे होते हैं उनको बनाने के लिए, वो एल्यूमिनियम है। तो दोस्तों, अगर हम मज़ीद डिटेल जाने इनके बारे में, तो ये दो हेमिस्फीयर से एक स्फीयर कंप्लीट होता है, उसके ये अंदर से बेसिकली होलो होते हैं, और ये जो इनके साइड पे आप देख रहे हैं इन्हें स्प्रिंग वॉशर या लॉक नेट भी कहा जाता है, ठीक है, और ये आपस में टाइट आउट कर दिए जाते हैं ताकि हमारा जो स्फीयर है वो स्लिप आउट ना हो सके। उसके बाद ये ड्रेनेज सिस्टम भी इनमें ऐसे प्रोवाइड किया जाता है कि हमारे पास जो वाटर है या जब रेन होती है तो वो पानी इसके अंदर जा ना सके। दोस्तों, अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं कंडक्टर डायमीटर। तो ऑलमोस्ट 6.5 टू 5.5 mm का कंडक्टर डायमीटर जहाँ होता है वहाँ पे इनको यूज़ किया जा रहा होता है। अगर हम वोल्टेज की रेंज देखें तो वोल्टेज हमारे पास 35 kV टू 1000 kV होती है, जहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक टर्म आएगी वायर सैक। वायर सैक की टर्म मैं यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा।
लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वायर सैग होता है क्या है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर दो टावर्स हैं, इन टावर्स के दरमियान ये जो झुकाव है, फॉर एग्जाम्पल ये जो झुकाव आ जाता है, क्या आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास ये झुकाव हो गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंडक्टर था और फॉर एग्जाम्पल हैवी विंड आई या हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो गया या वायर का वेट ज्यादा हो गया, तो हमारे पास ये जो कंडक्टर है इसमें झुकाव आ जाता है। तो ये झुकाव आता है इसको हम बेसिकली वायर सैग कहते हैं। अब दोस्तों हम वायर सैग की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, तो अमूमन एक टर्म और एक रूल भी है कि दो हाई ट्रांसमिशन लाइंस पे अमूमन होता यह है कि हमारे पास एक हाई ट्रांसमिशन लाइन जिसमें बॉल्स अटैच हैं और दूसरी हाई ट्रांसमिशन लाइन जिसपे बॉल अटैच नहीं है, तो इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितना फासला रखा जाता है, तो ऑलमोस्ट इनमें 7.62 मीटर का अलाउेबल डिस्टेंस रखा जाता है इनके दरमियान। तो दोस्तों अगर हम डिस्कस करें कि इनकी इंस्टॉलेशन कैसी हो रही, तो फर्स्टली इनके इंस्टॉलेशन के लिए मोस्टली हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हाइट्स पे होती हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। अब तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये इस पर्सन ने हाई ट्रांसमिशन लाइन ये जो बॉल है इसको पकड़ा हुआ है, तो इस बॉल में से एक कंडक्टर निकला हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर का कंडक्टर यहाँ से निकला होता है और इसके दूसरे साइड से भी ऑलमोस्ट 1 मीटर का कंडक्टर निकला होता है। ये अंदर से बॉल हॉलो होती है। उसके बाद अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये हाई पावर लाइन है। अब इस बॉल को ओपन किया जाता है और इसके अंदर से इस हाई पावर लाइन को पास किया जाता है, उसके बाद इसको बॉल को कम्प्लीटली बंद किया जाता है विद हेल्प ऑफ ये नेट से और टाइट कर दिया जाता है ताकि इसमें से पानी ना जा सके और ये स्लिप आउट ना हो सके। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो 1 मीटर का कंडक्टर इस साइड भी छोड़ा गया था और 1 मीटर का कंडक्टर इस साइड भी छोड़ा गया था, इनको हम इस हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन के साथ अटैच कर देते हैं और फिर इसकी वाइंडिंग कर देते हैं। अगर हम बात करें इनकी रीजंस की, तो दोस्तों पहली रीजन यह है कि कंडक्टर क्रॉसिंग विजिबल हो सके हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, तो इसलिए इन बॉल को यूज किया जा रहा होता है। तो मोस्टली एयरक्राफ्ट जो या फिर हेलीकॉप्टर हम देख सकते हैं वो मोस्टली हमारे पास कम हाइट पे फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको विजिबल हो सके ये कलरफुल बॉल्स या हाई ट्रांसमिशन लाइन, तो उनके इंडिकेशन के लिए इन कलरफुल बॉल्स को यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है इन बॉल्स को, जो लेस देन 69 के भी लाइन जो होती है उनकी इंडिकेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। और दोस्तों हम इनको एक विजुअल वार्निंग के तौर पर भी यूज कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है वो ताकि इन पावर लाइन्स को हिट ना कर सके। दोस्तों एंड पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स से अपने बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।